हाय फ्रेंड्स, टेक चतुर में आप लोगों को स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं शुभजीत और आज बात करेंगे दोस्तों आईफोन 13 प्रो के बारे में। आईफोन 13 प्रो का सभी स्पेसिफिकेशन और सभी डिज़ाइन दोस्तों लीक हो चुका है। ये चाइना में दोस्तों फास्ट लीक हुआ है। इसका डिज़ाइन कैसा होगा, इसका आप क्या 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 स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो लोग दोस्तों मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। एप्पल आईफोन जब दोस्तों लॉन्च होता है और एप्पल आईफोन का जब भी दोस्तों खबर आता है, जो लोग दोस्तों आईफोन लवर है उसके अंदर एक अलग सा मौज होता है दोस्तों। तो आईफोन ने ऐसा चीज़ें एप्पल आईफोन 13 के अंदर कर दिया है और कर चुका है, जो दोस्तों लीक हुआ है उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। वो शायद दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आप किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा, लुक के वाइज दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको होगा। 4 कैमरा दोस्तों इसके अंदर होगा। इसका जो 5G दोस्तों आपको इसके अंदर दोस्तों जो देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों बेहतरीन स्पीड के साथ आपको नेटवर्क कवर करेगा। इसका जो ब्रेजल स्क्रीन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन है। स्क्रीन दोस्तों देखने को मिलेगा वो दोस्तों बहुत नैरो स्लाइडिंग स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले सरफेस के अंदर दोस्तों होने वाला है। और इसके अंदर दोस्तों जो चार्जिंग पोर्ट होगा वो भी वायरलेसली दोस्तों काम करने वाला है। और इसके अंदर दोस्तों जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो दोस्तों 12 मेगापिक्सल का दोस्तों सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। और पीछे का जो दोस्तों कैमरा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, और 13 मेगापिक्सल दोस्तों और 2 मेगापिक्सल और दोस्तों VGA कैमरा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों एप्पल आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स जो दोस्तों मॉडल जो है उसमें दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक बहुत अच्छा एक फीचर दिया गया है, वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फ़ोन काम करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों आपको बैटरी पावर कंजम्पशन रूप में दोस्तों आपको दिखाई देगा और बैटरी दोस्तों आपको बहुत टाइम तक चलने वाला है। और इसके अंदर दोस्तों A15 SoC चिपसेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो OS होगा iOS 15 दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। कैमरे के अंदर दोस्तों आपको टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका मिनिमम रैम जो होगा ये 6 GB रैम होगा। और इसका इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB के साथ भी देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है, इतना ज़्यादा स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन आपको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो दोस्तों लीक के मुताबिक मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। और इसका दोस्तों लुक कैसा होगा वो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दिया हूँ। कैसा लुक होगा, कैसा दोस्तों OLED स्क्रीन दोस्तों कैसा होगा, रिफ्रेश रेट के साथ आपका जो स्क्रीन का जो पावर कंजम्पशन होगा, सब कुछ दोस्तों ये बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों इसका प्राइस क्या होगा ये दोस्तों आगे जाकर पता चलेगा, ये अभी तक बताया नहीं है। इसका जो फीचर्स है और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो लीक हो चुका है, जो मैं दोस्तों आपको दिखाया हूँ। और दोस्तों आप इस फ़ोन को लेकर दोस्तों क्या उम्मीद रखते हैं वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, मैं इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ। और दोस्तों जो लोग नए हैं मेरा चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।